नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube लर्निंग चैनल पैनोरमा लर्निंग में। आज हम आपको फिर से एक बार EVS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो इस बार आपको CTET प्लस NTPC रेलवे NTPC के लिए कुछ आपको लाभदायक हो सकते हैं आने वाली परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। भारत का 29वां राज्य है दोस्तों तेलंगाना। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है सहारा। भारत ने प्रथम उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया, तो वह उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट। गोवा में छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है, तो वह अधिकारी है अनुमंडल अधिकारी। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन कहाँ होता है, तो दोस्तों होता है ये कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य है वह पश्चिम बंगाल। परमाणु परीक्षण अधिकतर कौन से स्थान पर होता है, तो दोस्तों यह है पोखरण। एक रचयिता है, मतलब गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है जयदेव द्वारा। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, तो इसका जवाब दोस्तों है शुद्धोदन। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, दोस्तों तो आंसर आपका 12 जनवरी। ब्रिटिश ने भारत में सबसे पहला बंदरगाह कहाँ स्थापित किया, तो वह शहर है सूरत। नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA कहाँ पर है, खड़क वासला। विश्व की अपरिवर्तनीय शहर किसे कहते हैं, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो, तो वह शहर है दोस्तों रोम। विश्व का सबसे साक्षर राज्य आपको पता है दोस्तों, इसका आंसर है केरल। भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, तो ये बनवाया मुगल सम्राट अकबर ने। अब आसवान बांध किस नदी पर बनाया है, तो ये दोस्तों नदी है नील नदी। पेंटागन क्या है, पेंटागन एक रक्षा विभाग है अमेरिका देश का। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है। नर्मदा नदी का उद्गम का स्थल का क्या नाम है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक से। किसी पिन कोड का पहला अंक कहलाता है, उसके डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या, मतलब जैसे कि आपका पिन कोड है 110092, तो स्टार्टिंग के जो दो पहले हैं 11, तो वो समझाएगा, वो आपको बताता है कि आपका डाकघर किस पोस्टल जोन में है। जो जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो वह जिब्राल्टर जल संधि, एक जल संधि है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो वो दोस्तों है जिब्राल्टर। भारत में नहवा सेवा बंदरगाह किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों है मुंबई के पास। पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो दोस्तों है ये पारादीप। भारत में टिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भारत में टिन पाया जाता है झारखंड में, झारखंड में जगह का नाम है हजारीबाग। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाने वाला राजदूत कौन था, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी बनाने वाला राजदूत था दोस्तों राजा जयसिंह। राजस्थान की किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी, तो दोस्तों रानी कर्णवती। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों ये नदी है नर्मदा नदी। स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी दोस्तों, 562। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया, तो दोस्तों ये सन है 1947 जुलाई। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, उन्होंने भारत देश का विभाजन की घोषणा कब की, तो उन्होंने करी 3 जून 1947 को। अब द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने करी कि दो राष्ट्र होने चाहिए, तो सबसे पहले बात करी मोहम्मद इकबाल ने। फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक सेना थी वो किस उसकी स्थापना किसने करी दोस्तों, तो उसकी स्थापना करी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के विरोध के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले नेता थे सुभाष चंद्र बोस। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों नीलाम स्ट्रॉन्ग। भारत तेल क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान दोस्तों कौन सा है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, तो आसम में डिगबोई। जापान की राजधानी टोक्यो का एक उपनाम है, उसका नाम क्या है, ओसाका। हरिजन शब्द देने वाले कौन थे दोस्तों, महात्मा गांधी। भारत में काफ़ी अच्छी उपज किस राज्य में होती है, दोस्तों वो होती है कर्नाटक में। कॉफ़ी की
किसकी? कॉफी की अच्छी उपज किस राज्य में होती है? कर्नाटक में। एक दोस्तों किकली, किकली नाम का लोक नृत्य है, ये किस राज्य का है और बहुत फेमस लोक नृत्य है दोस्तों? ये पर है हरियाणा का। गुगली शब्द किस खेल से है? अधिकतर लड़कों को पता होगा, क्रिकेट। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है? झारखंड। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार है दोस्तों हैदराबाद में। भारत में मेट्रो सबसे पहले कहाँ चली? तो चली दोस्तों कलकत्ता में। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों सबको बताएं, अमृतसर। राहुल केला किस खनिज के लिए विख्यात है? तो वह विख्यात है दोस्तों लोहे खनिज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगले बार आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।